नमस्कार सरित्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर से सनसनी खबर। प्रसव के दौरान हुआ महिला को दो सिर वाला बच्चा। करिश्मा कुदरत का इस कहावत को चरितार्थ करते हुए मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 17 अगस्त 2022 को सरिता देवी उम्र लगभग 22 वर्ष पत्नी मोनू पटेल निवासी डांगर केरी को प्रसव पीड़ा हुआ, जिसमें परिवार के सदस्यों के द्वारा सरिता देवी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुबारकला के अस्पताल में लाया गया, जहाँ सरिता देवी ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का एक सर सामान्य है तो दूसरा सर शौच के रास्ते के पास से, जो सर के ही आकार में है, जिस पर आँख का नाक व मुंह की आकृति बनी हुई है। लेकिन फिर भी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जैसे ही दो सिर वाले बच्चे की पैदा होने की खबर अस्पताल के स्टाफ में हुई तो यह खबर आग की तरह चारों ओर दौड़ने लगी। जैसे ही लोगों को इस खबर के बारे में मालूम चला तो दूर दूर से लोग इस बच्चे को देखने के लिए अस्पताल परिसर में इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई अवतारी है तो कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई बीमारी है। फिलहाल डॉक्टरों और नर्स के द्वारा इस बात पर कुछ भी टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोनू पटेल पत्नी सरिता देवी का यह पहला बच्चा है, जो दिखने में माँ और बेटे दोनों स्वस्थ नजर आ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टरों और नर्सों के द्वारा जच्चा बच्चा दोनों को मंडली अस्पताल मिर्जापुर के लिए रेफर किया जा रहा है। सत्येंद्र न्यूज से गतिलाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।